नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम क्षम प्रार्थम हनुमानंजनम भूलचूक क्षमाकरम द्वादशी दानिनामानम। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी मेरे द्वारा किया गया कोई भी दुष्कृत्य, धर्म के खिलाफ किया गया कोई भी अधर्म, उसके लिए मैं आपसे क्षमा करता हूँ, क्षमा के दाता। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि कैसे हिंदू लोग जबरदस्ती एक मसीह का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और मामला ये हुआ कि एक पास्टर जब जेल में गया तो उसके विश्वासियों को इन लोगों ने, बजरंग दल वालों ने जबरदस्ती क्या किया, मंत्र पढ़वाए और हिंदुइज्म में वापस आने की इनको कोशिश की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसके चार नाम है। अगर आप पाकिस्तान को इंग्लिश में देखेंगे तो पाकिस्तानी बोलते हैं, अमेरिका को भी इंग्लिश में अमेरिका ही बोलते हैं, लेकिन इंडिया है इसको इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, हिंदी में भारत बोलते हैं, हिंदुस्तानी बोलते हैं और आर्यवंशी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। इंडिया का नाम चार नाम है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि इंडिया विच इज भारत, के इंडिया जो भारत है इसको हिंदुस्तान क्यों बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जो आरएसएस वाले हैं, जो बजरंग दल वाले हैं, इन ये सिर्फ 1 या 1.5% लोग हैं, 1-1.5% यहाँ ब्राह्मण है। और उनको ये चाहिए होता है कि यहाँ पर जो 80-90% जो एससी एसटी ओबीसी और जो माइनॉरिटी है ना, ये उनको साथ में लेके चल, इनको लेके चलने के लिए इनको हिंदू का टैग लेना पड़ता है, क्योंकि जब हिंदू लेंगे तो वो लोग इनके साथ जुड़ेंगे, अदरवाइज इनकी छाप सिर्फ, इनको लगा कि हम सिर्फ 1% है और कोई भी हमसे प्रभावित नहीं होगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, हिंदुइज्म को भी प्रमोट किया और हिंदू नाम लेके चलते हैं, जो कि बाबा साहब बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे। दूसरी बात कि अगर आप ये जो हिंदुइज्म है, अगर इनका ये टैग लेके ना चलें तो बजरंग दल की पावर कोई नहीं है, जीरो पावर है, कोई इनको नहीं पूछेगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 2022 के अंदर मसीह लोगों सतर्क हो जाओ, पास्टर्स लोगों सतर्क हो जाओ, हो सकता है 6 महीने के अंदर जब घरे पास्टर को मार सकते हैं, कलीसिया को मार सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, तो अब इनकी प्लानिंग 2022 में कुछ ज्यादा है। आप लोगों को सतर्क रहना है, मैं आपको एक दो बातें बताता हूं, आप लोगों ने उस चीज का ध्यान रखना है। सभी मसीह के अंदर अगर कोई पास्टर है ना, मसीह के अंदर कोई लीडर है, पॉलिटिशियन है, मसीह के अंदर कोई वकील है, मसीह के अंदर कोई पुलिस वाला है, तो आप सब लोग जुड़ जाओ, एकजुट हो जाओ। मैं आपको मेरा नंबर देता हूं 7696366777, फिर से रिपीट करता हूं 7696366777, दिस इज माय पर्सनल नंबर, आप मुझे कॉल करें, जुड़े हमारे साथ। अगर कोई मसीह पॉलिटिशियन देख रहा है तो जुड़े, अगर कोई मसीह पुलिस वाला देख रहा है तो मुझे कॉल करें, अगर कोई मसीह लीडर देख रहा है तो मुझे कॉल करें, और अगर कोई मसीह वकील है तो मुझे कॉल करें। हम लोग मिलके परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। अभी पास्टर कैलाश को मध्य प्रदेश में छत से फेंक दिया, क्या हुआ उस बेचारे, मेरी बात हुई वहां के लोगों से, बात हुई मेरी, तो वो लोग बता रहे हैं कि इनको बेचारे के ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा के, है ना, वो अभी होश में भी नहीं, इतना मारा, इतना छत से गिरा, होश में भी नहीं है, और उस बंदे के ऊपर धर्म परिवर्तन का उसके ऊपर केस कर दिया, और जिन लोगों ने मारा उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं, और अभी तक वो पकड़े नहीं गए। सोचो कितना बुरा हो रहा है मसीह लोगों के साथ। तो मसीह लोगों के अंदर जो पॉलिटिशियन है, मसीह के अंदर जो पुलिस वाले हैं, वकील हैं, वो लोग सामने आओ और हम लोग मिलके कुछ ना कुछ करते हैं परमेश्वर के काम के लिए, क्योंकि जो छोटे पास्टर्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे खर्चा, अपने कोर्ट कचहरी का, वकीलों का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और जो बड़े पास्टर्स हैं उनको कोई लोड नहीं पड़ रही बताने की। तो इसलिए जो भी है, मैं चाहता हूं कि मसीह में कोई पुलिस वाला, मसीह में कोई वकील है, वो निकल के सामने आओ और हम लोग मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करें, हेल्प करें, ताकि परमेश्वर का काम बढ़े और सभी पास्टर्स लोग कलीसियाएं आगे बढ़े। नहीं तो ऐसा होगा कि जो छोटे गांव के अंदर पास्टर प्रचार कर रहे हैं उनको मारा जाएगा, उनकी कलीसिया को डराएंगे, वो जो वैसे ही बैकस्लाइड हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब लोग आए 2022 के अंदर, हमें एक दूसरे की जरूरत है, हर पास्टर को सपोर्ट की जरूरत है, तो आप सपोर्ट करें। और ये फाइनेंशियली सपोर्ट की बात नहीं हो रही, ये साथ खड़े होने की बात हो रही है कि कंधे से कंधा मिला के खड़े होना है। पैसा तो परमेश्वर इंतजाम कर ही देता है, लेकिन हमें साथ की जरूरत है,
है ना, क्योंकि अगर हॉस्पिटल के अंदर किसी को बीमार को लेके जाना है तो वहां पैसा काम नहीं आएगा, वहां लोग ही उसको लेके जाएंगे। तो इसलिए हमें साथ खड़े होने की जरूरत है और सामने आए कुछ मसीह लोग है ना, लीडर्स खड़े हुए। अगर आप यही समय है मसीह लीडरों के अंदर, यही समय है कि आप अपने आप को आगे लेके आ सकते हैं, यही समय है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं। तो 2022 में पास्टर लोगों सतर्क रहो, हो सकता है आपके ऊपर फेक केस हो और आपको अंदर कर दिया जाए एक दो महीने के लिए और आपको मारा जाए, सताया जाए और आपकी कलीसिया को तोड़ा जाए। ये प्लानिंग पूरी चल चुकी है और हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको देखने को मिले 2022 के अंदर ही, क्योंकि 21 के अंदर हमने बहुत देखा कलीसिया को तोड़ा गया, मारा गया, और आपको मैं बताऊं 2022 के अंदर और ज्यादा करने की प्लानिंग है। तो सतर्क हो जाओ, मसीह लोग भी एकजुट हो जाओ और टीम बनाओ और करो कॉल। मैं चाहता हूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग कॉल करें, मेरे संपर्क में आए और हम मिलकर परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाएंगे, सपोर्ट करेंगे पास्टर्स को जिन पर सताव हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से। आप सभी को जैम सीकर, हमारे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियोस अपडेट्स आपको मिलते रहें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मसीह लोग जुड़ें। और मैं चाहता हूं कि मसीह, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बहुत कुछ हो सकता है इस साल मसीह लोगों के साथ, पास्टर्स के साथ। तो पास्टर्स लोग सामने आए, मसीह लीडर सामने आए, मसीह पुलिस वाले, मसीह वकील सामने आए, मुझे कॉल करें 7696366777 इस नंबर पर कॉल करें ताकि हम मिलकर परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा सकें। सो गॉड ब्लेस यू।